सिनेमा जगत से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अभिनेता समीर शर्मा की मौत हो गई है। इस पूरे मामले में बड़ी बात यह है कि पुलिस को खुदकुशी का शक हो रहा है। समीर शर्मा का शव मुंबई के मलाड में घर पर पंखे से लटका मिला। बता दें कि समीर कई टीवी शोज में काम कर चुके थे जिनमें कहानी घर घर की भी शामिल था। अभी तक की जानकारी के मुताबिक समीर शर्मा कुछ दिनों से किसी को नजर नहीं आए थे। वहीं जब उनके फ्लैट से बदबू आनी शुरू हुई तो सोसाइटी के चौकीदार ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर आकर जब घर खोला तो पंखे से अभिनेता समीर शर्मा का शव लटकता मिला। ऐसे बताया जा रहा है कि करीब दो दिन पहले समीर शर्मा की मौत हो चुकी थी और जब शरीर से बदबू आनी शुरू हुई तो आसपास के लोगों को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। समीर शर्मा की मौत के बाद से ही दिवंगत अभिनेता एक सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है। हालांकि इंस्टाग्राम अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, लेकिन इस अकाउंट को समीर शर्मा का ही बताया जा रहा है और साथ ही साथ एक खास कविता लिखे पोस्ट को वायरल किया जा रहा है। इस पोस्ट में लिखी कविता में दर्द साफ महसूस किया जा रहा है। आपको बताते हैं, इस पूरे मामले में एक वजह ये भी सामने आ रही है कि हो सकता है कि काम की तंगी के चलते सभी नेता ने ऐसा कदम उठाया है, लेकिन अभी तक कुछ भी इस मामले में पुख्ता रूप से नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि समीर छोटे पर्दे के जाने माने कलाकार थे। समीर कई टीवी शोज में नजर आ चुके थे और हर बार उन्होंने अपने किरदारों से सबका दिल जीता था। समीर शर्मा क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये रिश्ते हैं प्यार के और कहानी घर घर के सहित कई सीरियल में काम कर चुकी हैं। तो अगर आप इस अभिनेता के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इनकी आत्मा की शांति के लिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित जरूर करें। धन्यवाद।